हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस मैथ्स। मैकेनिकल का जो पार्ट है मोशन रिलेटिव टू अर्थ, उसमें हम आज पार्ट फिफ्थ पढ़ रहे हैं। उसमें पढ़ेंगे कि इफेक्ट ऑफ द कोरियोलिस फोर्स, यहाँ पे कोरियोलिस लिखना था, इफेक्ट ऑफ द कोरियोलिस फोर्स, इफेक्ट ऑफ द कोरियोलिस फोर्स ऑन बॉडीज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड ऑन द अर्थ। पिछले वीडियो में जो पार्ट फोर था उसमें हमने पढ़ा था कि डाउनवर्ड में जब नीचे फेंका जाता है किसी पार्टिकल को, किसी बॉडी को, तो उस टाइम पे उस पर जो कोरियोलिस फोर्स का इफेक्ट होता है वो वहाँ पे पड़ा था। और यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि इस टाइप पे जब अपवर्ड ऊपर की ओर फेंका जाता है उदग्र दिशा में, ऊर्ध्वाधर दिशा में, उस टाइम पे पृथ्वी पे जो कोरियोलिस फोर्स लगता है और उसके कारण उसका जो विस्थापन होता है उसकी हमको गणना करनी है। हम यहाँ पे लैट कर रहे थे, जैसे सबसे पहले बता देता हूँ कि ये जो है वो पृथ्वी की एक अक्ष है जिसको हम एक्स डैश अक्ष मान लेते हैं। यहाँ से किसी वस्तु को अगर उदग्र फेंका जाए, उदग्र ये जेड दिशा है, अगर यहाँ से कुछ न कुछ कुछ कोण पे इस जेड दिशा के साथ में अगर उसको ऊपर फेंका जाए तो जब वो वापस नीचे आएगी तो वह एक विस्थापन तय करेगी यहाँ से लेके यहाँ तक का, इसको हम एक्स डैश कह देंगे। और हमको ये इस एक्स डैश की वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी है। हम यहाँ से एक्स डैश की वैल्यू जो है उसको कैसे फाइंड करेंगे, और वो हम देखेंगे कि यहाँ से जो एक्स डैश है उसमें उसका वेग भी कितना होगा और उसके लिए उसका जो विस्थापन है वो भी कितना होगा, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमने यहाँ पे क्या क्या लिया है। जो भाषा लिखनी होती है वो मैं लिख देता हूँ। लेट अ पार्टिकल मास इज एम is thrown in the upward direction, vertically upward direction on the earth. हम उसको अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, वर्टिकली जेड डायरेक्शन में, जो हमारा है जेड डायरेक्शन में हम उसको ऊपर की ओर फेंक रहे हैं। तो उस टाइम पे इसका जो वेग होगा, उस वेग के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से मैं लिख रहा हूँ, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विल बी वी डैश। वी डैश इसकी वेलोसिटी हो जाए, अगर वो वी डैश वेलोसिटी जो है वो हो जाएगी के डैश कैप, ये हो जाएगा के डैश कैप, जो कि जेड की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर है। और यहाँ से बात कर रहे हैं ये यू माइनस जी टी होगा। अब यू माइनस जी टी क्यों होगा, उसका भी रीज़न हम देख लेते हैं कि जब वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाएगा इस जेड डायरेक्शन में, यहाँ तक ये इस ए पॉइंट तक ये वस्तु पहुँचेगी, तो जब ऊपर की ओर फेंका जाएगा तो यहाँ से इसका जो प्रारंभिक वेग है, जो इनिशियल वेलोसिटी होगी, इसका प्रारंभिक वेग जो होगा वो प्रारंभिक वेग होगा यू होगा। वो प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। अगर जब वो नीचे की ओर आएगा तो उस टाइम पे उसका वेग जो है वो यू में से माइनस जी होगा। माइनस जी क्यों होगा, क्योंकि जो गुरुत्व एक्सेलरेशन है, ग्रेविटी एक्सेलरेशन, गुरुत्व त्वरण जो है उसके सापेक्ष और समय उसके साथ में मल्टीप्लाई होगा और वो इसमें से यू में से घटेगा, तभी वो नीचे की ओर आएगा। इस टाइप से हमने इसको लिखा है कि वी डैश वैक्टर इज इक्वल टू के डैश कैप यू माइनस जी टी हो जाएगा। ये इसका घटक हो जाएगा, एक कॉम्पोनेंट हो जाएगा वी का। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि जिसके रेस्पेक्ट में, जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में हम चल रहे हैं, उसको हमने यहाँ पे अर्थ कंसीडर किया है। वो अर्थ है जो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। इसका एंगल ऑफ लैटिट्यूड जो है, एंगल ऑफ लैटिट्यूड की बात करते हैं तो वो एंगल ऑफ लैटिट्यूड हमारे हैं लैम्डा है। और बात करते हैं इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है, इस जो हमने जो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसिडर किया है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी जो है हमारे पास में, उसको हम ओमेगा लेट कर देते हैं। और ओमेगा की जो वैल्यू है हमने पार्ट वन वाले वीडियो में फाइंड की थी, और ओमेगा की जो वैल्यू होती है आपको ध्यान रखनी होती है, जे कैप कॉस लैम्डा ओमेगा प्लस ये होती है के कैप साइन लैम्डा ओमेगा। ये इस टाइप से इसकी वैल्यू होती है। और इसको मैं लिख देता हूँ इक्वेशन नंबर टू। अब इक्वेशन नंबर टू लिखने के बाद में हम देखते हैं कि जो पृथ्वी जो है अर्थ के घूर्णन के कारण उस पर जो कोरियोलिस फोर्स लगेगा, बिकॉज दिस इज अ रोटेशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जो अर्थ है हमारा वो रोटेशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अर्थ कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, और वो रोटेट कर रहा है, रोटेशनल है, रोटेट कर रहा है। जब वो रोटेट करेगा तो उस पर कोरियोलिस फोर्स का इफेक्ट होगा। और कोरियोलिस फोर्स की वैल्यू हमको पता है कि कोरियोलिस फोर्स इज इक्वल टू माइनस टू एम
ओमेगा स्क्वायर इंटू वी डैश स्क्वायर जो पार्टिकल, अब ये जो है वो एंगुलर वेलोसिटी है और ये जो है उस पार्टिकल पे जो वेलोसिटी है उसमें, इन दोनों की वैल्यू हमारे पास में है इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू में, तो यहाँ से हम इसको पुट कर देंगे। तो इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू से अगर लिखें, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू, इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू को यहाँ से लिखेंगे तो इसमें ये हो जाएगा एफ सी इज इक्वल, इसको जो क्रॉस वेक्टर है, सॉरी जो क्रॉस मल्टीप्लाई है, इस क्रॉस मल्टीप्लाई को हम डिटर्मिनेंट में सॉल्व करते हैं, तो इसको हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख देंगे। यहाँ से ये हो जाएगा आई कैप, आई डैश कैप, जे डैश कैप एंड के डैश कैप हो जाएगा। और आगे आई का अगर यहाँ पे घटक देखते हैं तो इसमें ना आई है ना जे है, आई और जे जो है इस वी के लिए जीरो है, तो वी को लिखेंगे हम नीचे की, और वी के लिए मैंने लिख दिया आई भी जीरो है, ये भी जीरो, और ये है जी यू माइनस जी टी। ओके, एंड बात करते हैं इस ओमेगा के लिए, इस ओमेगा में अगर हम देखते हैं यहाँ पे कि आई का जो कॉम्पोनेंट है वो क्या है, जीरो है, और जे का कॉम्पोनेंट है कॉस ओमेगा, कॉस लैम्डा ओमेगा और साइन लैम्डा ओमेगा, तो मैं इसको जीरो लिख देता हूँ और इसके लिए लिख दूंगा ओमेगा कॉस लैम्डा और ये हो जाएगा ओमेगा साइन लैम्डा। अब हम क्या करेंगे, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे, जब डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में जो के है उसके रेस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। तो आई वाला जो टर्म है इसको अगर मैं अगर इसके रेस्पेक्ट में मैं अगर डिटर्मिनेंट ओपन करता हूँ तो ये इस टाइप से होगा, इसका मल्टीप्लाई होगा इधर और इसका मल्टीप्लाई होगा इधर, वैसे डिटर्मिनेंट आपको खोलना आता ही होता हो, तो मैं इसको सीधा डायरेक्ट यहाँ पर लिख देता हूँ, जो हमारे पास में इसकी जो वैल्यू आएगी वो ये हो जाएगी, इसकी जो वैल्यू हम मैं लिख रहा हूँ सीधा यहाँ पे एफ सी इज इक्वल एफ सी वैक्टर माइनस I डैश 2m ओमेगा cos सॉरी 2m ओमेगा cos लैम्डा 2m ओमेगा cos लैम्डा अंदर हो जाएगा u माइनस जी टी, ये हो गया पूरा I के रेस्पेक्ट में, अब ये खुलेगा। अब I के रेस्पेक्ट में खुलने का मतलब क्या है, देखो माइनस I है यहाँ पे, माइनस I का मतलब क्या होता है, देखो पहले तो ये नीचे की ओर जो x एक्सिस है उसमें जाएगा, I कैप का मतलब होता है कि x एक्सिस की ओर इसका विस्थापन होगा, लेकिन यहाँ पे ये माइनस x प्रदर्शित कर रहा है, माइनस x प्रदर्शित करने का मतलब है कि ये इस डायरेक्शन में, यहाँ से जो हमने जो डायग्राम बनाया था पहले उस डायग्राम को अगर एक बार देखें वापस, तो यहाँ से इसका जो जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो इस तरफ हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट माइनस x दिशा में हो रहा है, इसको ऐसे फेंका है तो इसका डिस्प्लेसमेंट कुछ इस टाइप से होगा। तो मतलब इसका कहने का मतलब ये रहेगा कि उत्तरी गोलार्ध में जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसमें वर्टिकली जो फेंका जाता है पार्टिकल, उसका पश्चिम की ओर लगने जो उसका जो मान होगा वो पश्चिम की ओर लगने के कारण विस्थापन पश्चिम में होगा। जैसे हम बात करते हैं, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट। अब ईस्ट की ओर यहाँ से मैंने अगर किसी को फेंका है, किसी कण को, तो इस कोरियोलिस फोर्स के इफेक्ट के कारण, अब ये कौन सा है, ये है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वर्टिकली अगर किसी को ऊपर की ओर फेंके तो कोरियोलिस फोर्स का इफेक्ट इस तरफ होगा, अब कोरियोलिस फोर्स का इफेक्ट जिस तरफ होगा उसी तरफ क्या होगा, उस वस्तु का डिस्प्लेसमेंट होगा, तो यहाँ से ये आ जाएगी इस टाइप से। तो मतलब सीधा से अपने को इस कोरियोलिस फोर्स के इफेक्ट से ये पता चलता है इक्वेशन नंबर थ्री से कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो किस टाइप से, किस तरफ होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा हमारा वेस्ट की ओर, वेस्ट की ओर कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, हमने कंसीडर किया है एक्स डैश उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। एंड नाउ हम बात कर रहे हैं आगे हमारे इस एक्स डैश की हमको क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है, मेन मोटो रहेगा हमारा इस एक्स डैश की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक्स डैश की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, देखो एक्स डैश की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एफ सी इज इक्वल टू जो न्यूटन से सेकेंड लॉ है एम सी लिख देता हूँ, एफ इज इक्वल टू एम ए होता है और एफ कोरियोलिस फोर्स है और ये कोरियोलिस एक्सेलरेशन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस टू ओमेगा, ये हो जाएगा यू माइनस जी टी कॉस लैम्डा, ये है हमारे पास में कोरियोलिस फोर्स की वैल्यू मैंने यहाँ से ली है इज इक्वल टू, अब ए की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ तो वो हो जाएगा एम डी टू एक्स डैश अपॉन डी टी स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरे पास जो एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू, इसको मैंने लिख दिया इक्वेशन नंबर फोर। अब हमको क्या करना है, इक्वेशन नंबर फोर का इंटीग्रेशन करना, बिकॉज दिस इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन से हम कहाँ आएंगे, वेलोसिटी पे आएंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वेलोसिटी पे आएंगे, वेलोसिटी का वापस हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हम आ जाएंगे जो जो डिस्प्लेसमेंट है, जो स्थिति है, जो विस्थापन है उस पर आ जाएंगे, तो हम क्या करेंगे इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो ऑन इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑन इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू टी, हम टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे जो हमारी इक्वेशन नंबर है फोर उसका। अब जब टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा तो उस टाइम पे क्या कंडीशन होगी उसको हम देखते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले थोड़ा अगर यहाँ पे गौर करते हैं तो देखो टू एम ओमेगा और कॉस लैम्डा बार रहेगा, यू भी यू के साथ में टी आ जाएगा और जी टी का हो जाएगा जी टी स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, जैसे इंटीग्रेशन आप सभी को आता ही है और मैं यही मान के चलता हूँ। तो टू
जो एम है उसको मैं क्या करता हूँ यहाँ से कट कर देता हूँ। अब ये जो एम है ये सीधा सीधा यहाँ से कट हो गया है, तो ये हो जाएगा 2 ओमेगा कॉस लैम्डा, मैंने बाहर लिख दिया है। और जब इंटीग्रेशन करेंगे यू माइनस जी टी का, तो जब यू माइनस जी टी का इंटीग्रेशन होगा तो ये हो जाएगा यू टी माइनस जी टी स्क्वायर अपॉन, ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू, मैं अगर बात करते हैं सॉरी इधर आएगा प्लस में सी इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा डी एक्स डैश अपॉन डी टी। ये आ गया हमारे पास में वेलोसिटी, जो एक्सेलरेशन था एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन करने पे हमारे पास में आता है हमारे पास में वेलोसिटी आ जाती है। एक्सेलरेशन का हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास में वेलोसिटी आ गई। एंड नाउ हम बात करते हैं व्हाट इज दिस, दिस इज इंटीग्रल कॉफिशियंट, जहाँ पे जो सी है उसकी अगर बात करते हैं उसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ एट टी इज इक्वल टू 0। अब मैं यहाँ पे टी की वैल्यू अगर 0 पुट करता हूँ इस वाली कंडीशन में, तो एट टी इज इक्वल टू 0 पे अगर मैं बात करूँगा तो टी इज इक्वल टू 0 पे जो है हमारा जो कंडीशन है जो डी एक्स डैश डी टी जो है इसकी पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगा। अब इस पूरे की वैल्यू 0 हो गई तो जो सी है इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे वापस यहाँ पे इसको पुट कर देंगे, इसकी जो वैल्यू है सी की वैल्यू हमारे पास में कितनी आई 0 आई। अब सी की वैल्यू 0 आने पर हम इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा माइनस टू जो ओमेगा है ये हो जाएगा माइनस टू ओमेगा कॉस लैम्डा यू टी माइनस जी टी स्क्वायर अपॉन 2, और ये हो जाएगा यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी टी, जो सी है उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे 0 पुट कर दी है। ये हो जाएगा हमारे पे इक्वेशन नंबर 4। अब हमारे पास में ये आई वेलोसिटी, ये वेलोसिटी की इक्वेशन है। अब वेलोसिटी की इक्वेशन से हमको क्या करना है, वापस हमको जो एक्सेलरेशन सॉरी जो विस्थापन है वो फाइंड करना है। इस वेलोसिटी का एक बार और क्या करेंगे हम यहाँ से डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वापस लिखेंगे अगेन इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू टी। हम यहाँ से इसका इंटीग्रेशन करेंगे, जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास में एक और कंडीशन आएगी, वो हो जाएगा हमारे पास में माइनस टू ओमेगा कॉस लैम्डा, तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और फिर यहाँ से क्या होगा जी बाहर आ जाएगा यू अपॉन टू जी टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब अपॉन 6। ये इस टाइप की कुछ कंडीशन बनेगी, मैं पूरा सॉल्व करके लिख देता हूँ। प्लस यहाँ पे आ जाएगा सी डैश, अब यहाँ पे सी डैश जो है वापस वो इंटीग्रल कांस्टेंट है, इज इक्वल टू में आ जाएगा एक्स डैश। अब फिर वापस यहाँ पे सी की अगर बात करें, सी की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, तो एट टी इज इक्वल टू 0 पे क्या हो जाएगा एक्स डैश जो है वो पूरा 0 हो गया, और एक्स डैश 0 होने के कारण जो सी डैश है वो भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर वापस अगर इसकी हम बात करते हैं वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारे पास में एक्स डैश की जो वैल्यू है वो आ जाएगी एक्स डैश की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में यहाँ से, मैं अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ और 2 को कट कर देता हूँ तो ये हो जाएगा ओमेगा कॉस लैम्डा जी अपॉन यू अपॉन जी टी स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा टी क्यूब अपॉन 3। मैंने यहाँ से 2 को कॉमन लेके इसमें से और इस 2 को साथ में कट कर दिया है। ये आ जाएगी हमारे पास में इक्वेशन नंबर 6। एक फाइनल इक्वेशन आ गई हमारे पास में कि जो पश्चिम की दिशा है यहाँ से ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसका, इस डिस्प्लेसमेंट में यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसमें ये जो हो रहा है वेस्ट की ओर हो रहा है, और वेस्ट में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एक्स डैश डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और एक्स डैश की हमने जो है यहाँ पे ये वैल्यू फाइंड करती है। अब ना हम बात करेंगे कि यदि जो पार्टिकल है वो टी सेकंड में अधिकतम ऊंचाई पे पहुंचता है, अब क्या करना है अपने को, यहाँ से ये वैल्यू फाइंड करनी है कि जो यू है और उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, जो टी है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो टी की फाइंड करना है तो हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे लेट पार्टिकल रीच द मैक्सिमम पॉइंट विद द टी सेकंड। वो टी सेकंड में मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाता है, टी सेकंड में जो है वो मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाता है। मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगा तो उस टाइम पे क्या होगा, देखो हमारे पास में एक इक्वेशन होती है एक मोशन की, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये यहाँ पे लिख दिया मैंने v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब ए को यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस जी लिखेंगे, बिकॉज हम कहाँ जा रहे हैं, जो ग्रेविटेशन फोर्स है उसके हम अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो हम यहाँ से जो v है, जब मैक्सिमम पॉइंट पे जाएंगे, देखो किसी पार्टिकल को ऊपर की ओर फेंका जाता है वर्टिकली, तो जब वो एक मैक्सिमम हाइट पे जाके क्या होगा, रुक जाएगा। अब जो मैक्सिमम हाइट पे जाके रुकेगा तो वहाँ पे उसकी देखो, यहाँ से तो हमने उसको u, इनिशियल वेलोसिटी उसकी u थी, लेकिन जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो v है, और v यहाँ पर आके 0 हो जाएगी क्योंकि वो
यहाँ पे एक क्षण के लिए रुकेगा, फिर वापस जो होगा वो नीचे की ओर आएगा। तो यहाँ से मैं v को कर देता हूँ 0 और ये हो जाएगा u माइनस जी टी हो जाएगा। और t के अगर यहाँ से वैल्यू की बात करता हूँ तो वो हो जाएगा u अपॉन जी। अब t की वैल्यू आ गई हमारे पास में u अपॉन जी। अब इस t की वैल्यू को आपको यहाँ पे जो t है इनमें पुट करना है। तो जब यहाँ पे t में पुट करेंगे तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आगे हमारे पास में क्या कंडीशन आएगी। एक बार जो हमारे पास में जो पिछली इक्वेशन है उसको मैं लिख देता हूँ। जो इक्वेशन थी पिछली वाली वो आ गई हमारे पास में x डैश इज इक्वल टू माइनस ओमेगा कॉस लैम्डा जी यू टी स्क्वायर अपॉन जी माइनस टी क्यूब अपॉन थ्री। ये हो गई हमारे पास में। इस इक्वेशन में क्या करना है हमको, टी की जो वैल्यू है उसको पुट करना है यू बाई जी। अब जब टी की वैल्यू ये पुट करेंगे तो उस टाइम पे हमारे पास में क्या कंडीशन होगी उसको हम ध्यान से देखते हैं। सो एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स डैश हमारे पास में आ जाएगा यहाँ पे एक्स डैश इज इक्वल टू माइनस टू बाई थ्री। ये हो जाएगा माइनस टू बाई थ्री ओमेगा जी कॉस लैम्डा, मैं सीधा डायरेक्ट लिख रहा हूँ पूरा सॉल्व करके, यू अपॉन जी होल क्यूब हो जाएगा। यहाँ से ये वाली जो वैल्यू इसमें भी पुट करेंगे और इसमें भी पुट करेंगे टी में। जो पुट करने पे हमारे पास में पूरा सॉल्यूशन है इसका आएगा। मैं वीडियो में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा कैलकुलेशन के लिए, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे सॉल्व कर दी। अब हम बात करेंगे कि इसकी जो अधिकतम ऊंचाई जो हाइट है ये हाइट कितनी, इसको मान लेते हैं हम एच हाइट है इसकी, मान लेते हैं जो मैक्सिमम हाइट है, जो मैक्सिमम हाइट है वो हाइट कितनी होगी। मैक्सिमम हाइट को हम यहाँ पे h कंसीडर कर देते हैं। अब जब मैक्सिमम हाइट को हम h कंसीडर कर रहे हैं तो उस टाइम पे वो हाइट होगी कितनी, तो कैसे ज्ञात करेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस हमारे पास में मोशन की इक्वेशन होती है। इसमें देखेंगे कि v जो है मैक्सिमम हाइट पे वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। u जो है हमारे पास में u की वैल्यू है वो यू स्क्वायर ही रहेगा। माइनस ये हो जाएगा टू जी एस, बिकॉज मैंने बताया था आपको a की जगह पे क्या लिखना माइनस जी लिखना है क्योंकि हम उसके अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके तो अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे यू, ये हो जाएगा यू स्क्वायर माइनस टू जी एस हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम यहाँ से वैल्यू फाइंड कर देंगे एस की, सॉरी यू की वैल्यू अगर यहाँ से फाइंड करते हैं तो यू इज इक्वल टू ये हो जाएगा रूट ऑफ टू जी एच। ये एक फॉर्मूला भी होता है सीधा, अगर डायरेक्ट ध्यान में रखना चाहे तो भी इसको याद रख सकते हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये जो u की वैल्यू है उसको यहाँ पे पुट कर देंगे। इस u की वैल्यू को यहाँ पे अगर पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में x डैश इज इक्वल टू माइनस टू बाई थ्री ओमेगा जी कॉस लैम्डा टू एच अपॉन जी होल टू द पावर थ्री बाई टू हो जाएगा। अब ये जो विस्थापन है ये कहाँ है, वेस्ट की ओर है। ये हमारे पास में एक पूरी वैल्यू आ गई हमारे पास में, और ये जो है अधिकतम ऊंचाई है वो h हो जाएगी। h हाइट तक वो पार्टिकल जाता है, h हाइट पे जाने के लिए उसके जो वेलोसिटी होगी वहाँ पे v डैश जो v होगा फाइनल वेलोसिटी होगी वो जीरो होगी। ये वेस्ट डायरेक्शन में है, और वेस्ट डायरेक्शन में वापस क्या करते हैं इसका, अगर हमको फाइंड करना है जो वेग है, अगर यहाँ से हमको वेग फाइंड करना है तो हम इसका डिफरेंशिएट कर देंगे। तो ये हो जाएगा डी एक्स डैश अपॉन डी टी। तो यहाँ से इसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी इस पार्टिकल की वहाँ तक पहुँचने के लिए वो हो जाएगी माइनस ओमेगा जी कॉस का, ये कॉस लैम्डा का कॉस लैम्डा रहेगा बिकॉज दिस इज अ कॉन्स्टेंट, हम टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ओनली। और यहाँ से ये हो जाएगा टू जी एच एंड ये हो जाएगा थ्री बाई टू। ये यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी। और हमने यहाँ पे क्या फाइंड किया है कि जो विस्थापन है वो विस्थापन कितना हो रहा है। मेन चीज़ हमारे यहाँ पे यही रहती है कि विस्थापन को फाइंड करना है कि जब पार्टिकल को ऊपर की ओर फेंका जाता है इस कोरिओलिस फोर्स की इफेक्ट में, जो हम माइनस एक्स डायरेक्शन में यानी कि वेस्ट डायरेक्शन में जो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एक्स डैश, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास में ये आ गई। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग MS Maths एंड सब्सक्राइब द चैनल MS Maths।